नुपुर बहुत सुस्ती थी, लेकिन फाइनली कुछ रिकवरी हमें दोनों स्पेसेस में दिखाई दी, इक्विटी कमोडिटी, क्या हुआ है? बिल्कुल रिकवरी थी और दिन के ऊपरी स्तर पर ही बाजार बंद होते हुए दिखे, अर्निंग्स का रिएक्शन था और ऐसा लग रहा है कि बाजार डाइजेस्ट कर रहा है कि जो जो रेट कट्स है वो मार्च में नहीं आती हुई दिखे, क्योंकि लगातार फेड स्पीकर्स जो है वो यही दावा कर रहे हैं कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है दर घटाने की। उनका यही कहना है कि इन्फ्लेशन का जो टारगेट है 2% का, उस पर उनका फोकस है। कल देखे तो उतार चढ़ाव था कल बाजार में, साथ ही साथ दिन के ऊंचाई पर हमने अमेरिकी बाजार को बंद होते हुए दिखा, डाउ करीबन 140 अंक चढ़ते हुए नजर आया, नैसडेक में भी 100 अंकों की रिकवरी देखने को मिली। नतीजों का यहाँ पे रिएक्शन था जिसकी वजह से अच्छी रिकवरी देखने को यहाँ पे कल मिली। जैसे कि मैंने कहा, फेड स्पीकर्स लगातार यही दावा कर रहे कि उन्हें कोई भी जल्दी नहीं है दरों में कटौती करने की, तो मार्च तो फिलहाल अभी मार्च में तो यही इंडिकेशन है कि कोई रेट कट्स नहीं आते हुए दिखेगा और बाजार भी अब यही लेके चल रहा है कि ये डाइजेस्ट करके चल रहा है कि अभी फिलहाल रेट कट जो है वो सेकेंड हाफ में ही आते हुए नजर आएगा। उन फेड स्पीकर्स जितने भी लगातार एक दो दिनों में बातचीत करते हुए दिखे, उनका ये भी कहना है कि महंगाई को 2% के लक्ष्य तक लाने पर ही उनका ज्यादा फोकस है। इसी वजह से कल देखे तो 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी 7 बेसिस पॉइंट फिसल के 4% क्लोजर टू 4% आती हुई नजर आई। डॉलर इंडेक्स में भी हमने जो जो पिछले सत्र में देखा था कि थोड़ी बढ़त दिखी थी, वहां पर भी कल थोड़ी कमजोरी देखने मिली और 104 के पास ट्रेड करते हुए दिखा। नतीजों का सीजन हमारे यहाँ भी पीक पे है और वहां पर भी पीक पे चलता हुआ दिख रहा है, आधा नतीजों का सीजन है वो पूरा हो चुका है। कल नैसडेक में जो रिकवरी आई थी उसका एक बड़ा रीजन था कि पैलेंटियर टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें 31% की दौड़ लगाते हुए स्टॉक दिखा था। नतीजे जो आए वो काफी मजबूत थे, अनुमान से बेटर थे, जो गाइडेंस था वो भी बेटर था, जिसकी वजह से एक अच्छी रिकवरी टेक स्टॉक्स में कल देखने को मिली। स्पॉटिफाई की भी बात करें तो 4% की तेजी यहाँ पर भी आते हुए नजर आई। जो कंसर्न था प्रीमियम सब्सक्राइबर्स कंपनी को नहीं मिल रहे वो इस तिमाही में बढ़ते हुए दिखे, तो ये पॉजिटिव संकेत था कंपनी की तरफ से। आफ्टर मार्केट्स भी काफी सारी कंपनीज के नतीजे आते हुए दिखे, फोर्ड में देखे तो आपको आफ्टर आज में 6% की तेजी नजर आ रही है क्योंकि नतीजे काफी अच्छे रहे हैं, अनुमान से बेटर ही आते हुए दिखे। स्नैप की बात करें तो स्टॉक 32% लुढ़क चुका है आफ्टर मार्केट में क्योंकि यहाँ पे जो नतीजा है वो काफी कमजोर है। तो नतीजों का रिएक्शन कल बाजार में देखने को मिला और बाजार ऑलमोस्ट डाइजेस्ट कर चुका है कि मार्च में जो रेट कट है वो नहीं आना है, उसकी संभावना बहुत कम हो चुकी है। यूरोप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कल हरे निशान में ही बाजार बंद होते हुए दिखाई दिए थे। कमोडिटीज की बात करें तो कल कच्चे तेल में 1% की बढ़त आते हुए दिखी, $78 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया। सोना भी $10 चढ़कर ट्रेड कर रहा था और 2 हफ्ते के निचले स्तर पर चांदी सपाट हमने कल वहां पे कारोबार होते हुए दिखा। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी की वजह से बेस मेटल में थोड़ा रिबाउंड कल देखने को मिला, तो यूएस में थोड़ी रिकवरी के साथ क्लोजिंग हुई। कमोडिटीज में भी रिकवरी देखने को मिली, अर्निंग्स का रिएक्शन है और बाजार ऑलमोस्ट डाइजेस्ट कर ही चुका है कि मार्च में रेट कट जो है वो उसकी संभावना कम हो चुकी है। ओके।